हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग 13.2 एक्सरसाइज का 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं, आप लोग अपने पुस्तक में गौर से देखें और समझने का कोशिश करें। ए सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole. Given that 1 cm cube of आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, एक क्यूबिक सेंटीमीटर का अप्रॉक्सीमेट मास दिया हुआ है और एक पोल है जो नीचे ठीक है, सिलिंड्रिकल है, मोटा है और ऊपर जा कर के वो पतला हो गया है। आइए इसको पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 13.2 और प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखिए, जो नीचे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है पोल का, ये इस तरह से है। जिसका हाइट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर, ये डायमीटर है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। ये बेस है और इसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स वाला पाइप और है जिसका हाइट और डायमीटर डिफरेंट है। इसका हाइट कितना है, ये 60 सेंटीमीटर यहाँ तक, और इसके केस में रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, है ना। ये सिलिंड्रिकल है, इसका रेडियस यहाँ दिया हुआ है, आप इसको R2 लिख सकते हैं, R2 इजकल टू 8 सेंटीमीटर, है ना। इसका हाइट हम H2 मान सकते हैं, है ना, और इसका हाइट H1 मान लेते हैं, है ना। इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस यही डायग्राम में हम लोग समझ लेते हैं, R2 कितना हो जाएगा, है ना, 24/2 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकाल लिया हम लोग, है ना। ये गिवन है डायग्राम में, ये स्ट्रक्चर में जो वैल्यूज दिए हुए हैं हाइट और रेडियस का, डायमीटर का, ये हम लोग इसमें क्लियर समझ लिए। तो यहाँ प्रॉब्लम में कह रहा है कि इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर वाले पोल का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है कि आयरन इसमें कितने मास का, कितने जो है कि वेट का लगा है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम जो है फाइंड आउट करते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ है, और उसके बाद जो है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के रेट के आधार पर, 1 जो है सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 8 ग्राम, इसके आधार पर इस वैल्यू पर जो है हम मास निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसका टोटल लिखते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल्स, सुविधा के लिए हम इसको P1 और P2 पोल्स नाम रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल्स यानी P1 एंड P2 का वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स का जो है कि
वॉल्यूम जानते हैं, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ इस केस में P1 के केस में R जो है क्या मान रखे हैं हम लोग, जो है ये R1 है, सॉरी R1, R1 और H को जो है H1 मान रखे हैं हाइट को, प्लस सेकेंड जो है कि जो दूसरा पोल है P2 उसके लिए जो है R हम लोगों ने क्या मान रखा है R2, रेडियस जो है मान रखा है R2, तो R2 स्क्वायर, और यहाँ पर हाइट हम लोग H2 मान रखे हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है पाई को बाहर निकालते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना पाई। अब बारी बारी से हम लोग वैल्यू रख देते हैं, R1 कितना है यहाँ पर, R1 12 है, 12 का स्क्वायर, इसको हम फ्लावर ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट हमें डालना है, तो 12 स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है 220, प्लस यहाँ पर सेकेंड केस में यानी कि पोल P2 का रेडियस जो है R2 जिसे मान रखे हैं हम लोग, ये कितना है 8 है, 8 स्क्वायर, और H2 कितना है यहाँ 60 × 60, ये फ्लावर ब्रैकेट डाल दिए। अब यहाँ पर चूंकि पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं तो हम लोग जो है 22/7 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन दिया है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14। अब ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, ये कितना हो गया 12 का जो है स्क्वायर 144 × 220, प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 × 60, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 14, ये आपका यहाँ पर रफ में इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, है ना, 144220 0008882882, ये 0816111 और 3, ये कितना हो गया 680, प्लस इसका हो जाएगा आपका 4 × 2 और ये 38, इतना हो गया, इसका सम टोटल कर देते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ रफ में करते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 31,680 में हमें सम टोटल करना है 3840, है ना, 0, 12, 1, ये 14 और 15 हो गया, और 1, ये 5, 3, कितना हो गया, इनटू हम लिख देंगे, ये इतना हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम है ना। अब यहाँ पर जो है हम सिंप्लीफाई करके जो है निकाल लेते हैं वॉल्यूम, है ना, और उसके बाद उसमें क्या करेंगे कि हम लोग 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले रफ में, यहाँ पर 3, 5, 5, 2, 0 × 3, 1, 4, 0, 8, ये 22 हैंड में हो गया और ये 12 और 2, 14, 0, 2, 5, 5, 3, ये हो गया आपका 0, 6, 15, 1, ये 16, 1 और 9 और 1 कितना हो गया 10, 0, 8, 2, 7, 13, 1 और ये 15,
वन, फाइव और फाइव और सिक्स हो गया एलेवन और वन वन। तो यहाँ हमें और ये दशमलव है टू अंक टू डिजिट के बाद यहाँ डाल देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, वन 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 फाइव थ्री टू पॉइंट एट जीरो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या वैल्यू वॉल्यूम हो गया, यह वॉल्यूम हो गया। अब क्या है कि यहाँ टोटल मास निकालते हैं ऑफ द आयरन विच इज यूज्ड इन दिस पोल। तो टोटल मास बराबर क्या होगा, वॉल्यूम में हम जो ये रेट दिया हुआ है वन क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वॉल्यूम का मास यहाँ 8 ग्राम दिया है। तो इसको हम 532 इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही ग्राम में होगा है ना। तो ये ग्राम में हो गया और यहीं पर इसको हम क्या है कि केजी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा फिगर है तो आसान होगा हमको मल्टीप्लिकेशन में, या पहले मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं बाद में इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ है ना, यहीं पर कर देते हैं इंटू एट, जीरो सिक्सटीन वन सॉरी ये 64 फोर सिक्स हो गया हैंड में, और ये 16 और 6 22 टू, और ये 24 और 2 26 टू, ये 40 और 2 42 4 12 1 9 और 8। हमें क्या प्राप्त हुआ मल्टीप्लिकेशन के बाद, 8 9 2 2 6 2 4 0 और दो अंक के बाद जो है डिसमल डालेंगे, इतना ग्राम हो गया। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको थाउजेंड से जो है डिवीजन करना होगा है ना। तो थाउजेंड से डिवीजन कर दिए तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। तो इधर से जो है तीन अंक के बाद जो है यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा, तो क्या हो गया 892 यानी 892.26240 केजी। तो दो डिजिट तक दशमलव के बाद दो अंक तक हम आंसर निकालते हैं। यहाँ जगह नहीं है, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, कितना आंसर हो गया 892.26 केजी, यही आंसर हो गया। यही जो है इस पोल का टोटल मास होगा, इसमें जो आयरन यूज हुआ है कितना यूज हुआ है इसको बनाने में 892.26 केजी है ना, यही आंसर हो गया। यहाँ आंसर लिख देता हूँ, एक बार आप लोग यहाँ से इसको फिर मैं डाल देता हूँ, आप रिव्यू कर लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए हर क्षण तैयार रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।